दोस्तों क्या आप जियो की कंपनी में घर बैठे काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको फ्रीलांसर जॉब बताने वाला हूँ जिसे आप घर बैठे बैठे पैसे कमा सकते हैं ऑनलाइन काम करके। बहुत सारे लोग सोच रहे हो क्या ये वाकई में सही हो सकता है, तो जी हाँ, मैं जिस वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, जियो की ऑफिशियल वेबसाइट जो है career.jio.com, इस वेबसाइट के ऊपर आपको आ जाना है और करियर वाले पेज में आपको एक ऑप्शन शो कर रहा होगा फ्रीलांसर का, तो आपको फ्रीलांसर पे आ जाना है। भाई घर बैठे बैठे आपको काम करना है, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखो, यहाँ पर मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। तो जॉब देखो, अपॉर्चुनिटी कितनी है फ्रीलांसर में, 7825 टोटल, यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ ताकि मैं आपको बाद में बता सकूँ। 7825 जॉब की वैकेंसी यहाँ पर टोटल है। 7825 वैकेंसी के ऊपर हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं फ्रीलांसर में। अब जॉब कितनी है ये चीज़ हम चेक कर लेते हैं। देखो, और फीचर कैटेगरी यहाँ पर दिया है जियो की, जियो बहुत बड़ी कंपनी है भाई, यहाँ पर देख सकते हो। कम ज्वाइन द डिजिटल इंडिया मूवमेंट, भाई डिजिटल इंडिया हो रही है धीरे धीरे। देखो हम ऑनलाइन से पेमेंट कहीं भी कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, हर चीज ऑनलाइन हो रहा है, तो भाई जॉब भी तो ऑनलाइन होगा धीरे धीरे। तो यहाँ पर देखो, जो सबसे पहले जॉब पोस्ट करेगी यहाँ पर देखो 29 जून 2024 को ये पोस्ट करा इन लोगों ने, और यहाँ पर 10 एंट्री शो करे, तो हम एंट्री के ऊपर क्लिक करके हमें एटलीस्ट यहाँ पर 25 एंट्री को एटलीस्ट हम 25 कर देते हैं कि हमें 25 जॉब यहाँ पर एटलीस्ट शो करें। जियो कस्टमर एसोसिएट में फ्रीलांसर जॉब है, यहाँ पर देख रहे हो पहली वाली जो 29 जून को पोस्ट करी गई है, लोकेशन भी लिखा है फुलवरिया, फ्रीलांसर में जॉब की जरूरत है। यहाँ पर देखो जियो कस्टमर एसोसिएट में ये सब आवश्यकता है, तो यहाँ पर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, ये लोकेशन आपका चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो आप किस तरीके से अप्लाई करोगे, यहाँ पर देखो आपको इन सारी किस्में जियो कस्टमर सर्विस वाले में से कोई भी एक ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। मैं आपको फुल प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ कि आप किस तरीके से जॉब को अप्लाई करोगे। अब यहाँ पर देखो दिया है जियो कस्टमर एसोसिएट फ्रीलांसर जेपी आईडी दिया है, और यहाँ से आपको क्या करना है, अप्लाई नाउ बटन के ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। उससे पहले आप नीचे कुछ डिटेल वो देख लो, फंक्शनल बिजनेस एरिया देखो, फ्रीलांसर है मतलब आप फ्रीलांसर काम है भाई, कहीं ऑफिस में बैठने की जरूरत नहीं है। लोकेशन फ्लोरिया में जरूरत है। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पहले पढ़ लो कि किसको किसको मिलने वाला है। एक्वायर न्यू कस्टमर, आपको नए कस्टमर को फाइंड करना होगा। कॉल जियो कस्टमर एंड एक्सप्लेन देम अबाउट जियो रिचार्ज, और आपको कस्टमर लोग को कॉल करके उन्हें जियो के बारे में बताना होगा, रिचार्ज के बारे में बताना होगा। असिस्ट द कस्टमर इन कंप्लीटिंग जियो रिचार्ज, फिर उन्हें असिस्ट करना होगा कि इस तरीके से वो जियो का रिचार्ज करें। सेल न्यू जियो कनेक्शन टू प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, आपको जियो का नया सिम कार्ड वगैरह जो है वो सेल भी करना पड़ सकता है, क्योंकि जियो कनेक्शन यहाँ पर देना है। रिसॉल्व कस्टमर क्वेरी विद इन एग्रीड टाइम लाइन्स, और जो कस्टमर की क्वेरी है, जो प्रॉब्लम है, वो आपको सॉल्व करना होगा। और देखो इसके लिए आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, इसका आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, लेकिन घर बैठे काम आप कर सकते हो। क्वालिफिकेशन की भी हम बात करने वाले हैं, और यहाँ पर इंश्योर अ डिलाइटफुल कस्टमर एक्सपीरियंस, रिस्पॉन्ड टू ऑल कस्टमर इन एप्रोप्रिएट टोन एंड लैंग्वेज, ठीक है, कैप्चर कस्टमर डिटेल एंड डेटा रिलेवेंट टू द कॉल और सर्विस, ठीक है, लर्न अबाउट जियो प्लान्स, जियो प्लान्स के बारे में आपको सीखना होगा, प्रोडक्ट के बारे में जानना होगा, सर्विसेज के बारे में और उनके ऑफर जो आते हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अब देखो क्वालिफिकेशन 10+2, 10वीं अगर आपका कंप्लीट है या फिर 12वीं कंप्लीट है तो भी आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हो। तो 10वीं 12वीं पास वाले घर बैठे बैठे जियो के अंदर काम कर सकते हैं। एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट यहाँ पर फ्रेशर लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। स्किल क्या होना चाहिए, बेसिक नॉलेज ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, लिखने पढ़ने का थोड़ा सा नॉलेज आपको होना चाहिए। स्मार्टफोन का यूज करना आपको आना चाहिए, फोन चलाने आना चाहिए। स्पीक लोकल लैंग्वेज, जहां के लिए आप जॉब अप्लाई कर रहे हो वहां की लोकल भाषा आपको आनी चाहिए। और सेल्स एंड कस्टमर हैंडलिंग स्किल आपके अंदर होना चाहिए, और एबिलिटी टू लर्न, सीखने की आपके अंदर जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, गोल एंड रिजल्ट ओरिएंटेड आपके अंदर होना चाहिए। लोकेशन मैप जो है फुलवरिया कहाँ पे, ये लोकेशन दिया है, ये लोकेशन पे आपके लिए जॉब है। यहाँ पर अप्लाई नाउ का बटन दिया है, यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक करना है और आपको इस जॉब को अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के लिए एज अ न्यू यूजर आपको पहले लॉग इन करना है, लॉग इन करने के बाद आपको इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। भाई आप जब घर बैठे बैठे पैसा कमा सकते हैं तो क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हो भाई, 10वीं 12वीं पास वालों के लिए जब वैकेंसी है तो क्यों नहीं ट्राई कर रहे हो। 10वीं 12वीं पास वाले घर बैठे बैठे काम यहाँ पर कर सकते हैं। देखो क्रिएट प्रोफाइल आपको करना होगा, ईमेल आईडी पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड डालो, अपना फर्स्ट नेम डालो, लास्ट नेम डालो, डेट ऑफ बर्थ डालना है, आपको अपना कंट्री चूज करना है इंडिया का, फिर नंबर आपको डालना है, इंटर कैप्चा कोड और कंफर्म यहाँ से करके आप लॉग इन करो। लॉग इन करने के बाद आप जॉब को अप्लाई करो। घर बैठे बैठे जब आपको मिल रहे पैसे, अच्छे खासे आपको अमाउंट दिए जाएंगे, और घर बैठे ये फ्रीलांसर काम है, घर बैठे आप कर सकते हो, तो क्यों नहीं ट्राई कर रहे हो। इसको कोई भी ट्राई कर सकता है, एक स्टूडेंट, हाउसवाइफ, कोई भी जिनका 10वीं जो लोग पास हैं, जो 12वीं पास है, वो लोग इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। ये ओनली 10th और 12th पास वालों के लिए जॉब है, और एक नहीं बहुत सारी जॉब है। ये देखो जियो
कस्टमर एसोसिएट में, तो कितनी सारी यहाँ पर मैंने जॉब इससे पहले आपको दिखाया था। तो ये लोकेशन रहती है, ये जो है ये जैसे कहाँ का लोकेशन है, फुलवरिया का, तो ऐसे ऑल ओवर इंडिया में कितनी सारी लोकेशन थी भाई। तो आप अप्लाई करो ना, क्यों बैठे हो शांति से, अप्लाई करो, घर बैठे पैसे कमाओ। बस आपको ये नहीं, देखो अगर आप हमारे चैनल पर आ गए हो तो आपको ये नहीं बोलना है कि आपके पास जॉब नहीं है, क्योंकि मैं हर दिन जॉब से रिलेटेड वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। और इंडिया के अंदर हर कोई पैसे कमाएगा, हर कोई नौकरी कर सकता है, बस आपको इंटरव्यू क्रैक करना है, आप अपना रिज्यूमे बना लो और उसके बाद जॉब के लिए अप्लाई कर दो, बस मैं यही बोलूंगा। और बाकी हर दिन मैं नया नया जॉब की वीडियो लाता रहूंगा, आप उससे देख के सीखते भी रहोगे। और इसके लिए नए अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं यहीं पर, और आपसे मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ।